Hello viewers, welcome to Leo TV. CorelDRAW X7 के लेक्चर नंबर 1 के साथ है मलिक जुगताई. व्यूअर्स, अगर आपने CorelDRAW कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपको मार्केट से सीडी भी मिल जाएगी, वहां उससे लेके आके इंस्टॉल कर लें, वरना आप ऑनलाइन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. किसी भी गूगल पे सर्च करवाएं और इसको डाउनलोड कर लें, आपको डाउनलोडिंग मिल जाएगी. व्यूवर्स, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है 64 बिट पे X7. मैं इसको डबल क्लिक करके इस डेस्कटॉप के इस आइकॉन को और CorelDRAW को ओपन करता हूँ. CorelDRAW के लिए आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी उसकी यानी रैम ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. कंपोजिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है, सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर में टॉप के सॉफ्टवेयर में रहता है. CorelDRAW में हम बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा आपके फ्लैक्स वगैरह लगे होते हैं, इश्तहारात बनते हैं, एड्स वगैरह एंड द डिफरेंट ब्रोशर्स, कॉपियों की डिज़ाइनिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिज़ाइनिंग होती है जिस पे हम CorelDRAW को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करते हैं. CorelDRAW इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर कंपोजिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग. नाउ व्यूवर्स, आज इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि CorelDRAW को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. व्यूवर्स, हमने CorelDRAW को डेस्कटॉप से ओपन किया तो इसका हमें फर्स्ट इंटरफेस नज़र आ रहा है आपके सामने. इसमें ये देखिए कुछ CorelDRAW का ये फर्स्ट इंटरफेस है, गेट स्टार्ट नाउ. फर्स्ट इसमें मैं आपको कुछ इंटरफेस थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन लाइक इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन सी चीज़ों की वर्किंग है और इसके बाद इसके बॉटम में क्या है. और ये ठीक है, इसमें ये देखिए गेट स्टार्ट में आया न्यू डॉक्यूमेंट. अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिस वक्त, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह CorelDRAW पे भी अपनी टेम्पलेट्स होती हैं जो इसमें मौजूद होती हैं बाय डिफॉल्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आ जाएगा इसमें वर्कस्पेस. देखिए वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ, लाइट ये देखिए, ठीक है, क्लासिक, एडवांस में इंसुलेटर्स एंड पेज लेआउट, ठीक, अदर्स. इसके बाद वर्ड्स न्यू, CorelDRAW X7 में कुछ फीचर्स न्यू ऐड हुए हैं, बहुत कुछ क्या बहुत सारे चेंजिंग आई है, इंटरफेस चेंजिंग है और बहुत सारी ऐसे टूल्स को एक्सपेंड कर दिया गया है कि आप इसको इजीली भी यूज़ कर सकते हैं. और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आती है जब एक न्यू सॉफ्टवेयर आता है, तो अब आप इसको आसानी से, मेरा ख्याल है कि ये अब CorelDRAW X7 जो है इज़ बेटर यूज़ फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स नाउ एंड द कंपोजर्स. नीड हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प भी यूज़ कर सकते हैं. गैलरी पे क्लिक करें तो कोई इसमें, अगर आपने वर्किंग की होगी तो गैलरीज दिखाएगा. अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपडेट करें इसको ऑनलाइन से, CorelDRAW.com पे आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें ये मेंबर्स हैं, ये देखिए इसमें कुछ फायर ऑब्जेक्ट्स हैं ग्राफिक्स के बने हुए हैं. ये सारी चीज़ें आप इस पर ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद से. कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इज़ नाउ वेरी ईजी. और इंशाल्लाह मैं आपको इसमें कोशिश ये करूँगा कि अच्छे तरीके से गाइडलाइन दूँ, अच्छे तरीके से समझा सकूँ, और अगर कोई मिस्टेक्स आएगी तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगेन रिक्वेस्ट है मेरी, मैं रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट हर लेक्चर में होगी कि आपको जहाँ पे समझ नहीं आएगी आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन इस फाइल को ओपन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे. ये देखें, ये नीचे इसने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिए HTTP इस पिक्चर को राइट साइड पे जो आ रही है उसको देखें, वहाँ से जाकर मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है व्यूवर्स, नाउ अब मैं इसमें गेट स्टार्ट पे जाता हूँ दोबारा बैक, और इसमें देखिए गेट स्टार्ट में आया, और यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ ऑलरेडी फाइल्स ओपन की हुई हैं, वो उनका है जो मेरी पर्सनल फाइल्स में, जिसमें मेरी आई शॉपी एक मेरा शॉपिंग ऑनलाइन है, उस पर ब्लॉग बना हुआ है, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं. मैक TV नेटवर्क जो मैंने ख़त्म कर दिया है, अब उसमें लियो TV के नाम से काम कर रहा हूँ, लियो चैनल्स आ गए. और इसमें ये देखिए मैक TV नेटवर्क,
मैक टीवी नेटवर्क की कुछ मैंने फाइल्स वगैरह बनाई हुई है। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सब कुछ मैंने कॉलर ड्रॉ पे ही डिज़ाइन किया हुआ है। और भी बहुत कुछ है मेरे पास जो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा ऐसा ऐसा। स्टार्ट करते हैं, मैं इसमें न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इसमें अब मुझसे पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का नेम आपने क्या रखना है। तो यहाँ से भी आप फर्स्ट में ही चूज़ कर सकते हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन कस्टम रखनी है, डिफ़ॉल्ट RGB कलर जो भी है इसको बढ़ाए मेहरबानी कस्टम पे यूज़ कीजिएगा, ठीक है, या फिर इसको CorelDRAW डिफ़ॉल्ट पे रख लीजिएगा। कस्टम पे भी रखें तो CorelDRAW डिफ़ॉल्ट ही चूज़ होती है। पेज का साइज़ है लेटर इसमें, ठीक है, टॉबलेट वगैरह इन्वेलप वगैरह जो भी पेज का साइज़ आप चूज़ करना चाहते हैं वो पेज का साइज, इसमें डिफरेंट साइज़ ऑफ पेजेस हैं, आप इसमें डिफरेंट साइज़ ऑफ पेजेस यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं लेटर साइज़ को करते हैं जिसमें पेज की हाई विद होती है 8.5 इंचिस और हाइट होती है 11 इंचिस। और अगर हम इंचिस में यूज़ करना चाहते हैं तो इंचिस में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स का सब पॉइंट्स आ जाते हैं, पिक्सल आ जाते हैं, एंड मच मोर नाउ सेंटीमीटर माइल्स यार्ड किलोमीटर्स, ठीक है। और इसमें भी आप यूज़ करें नंबर ऑफ पेज जितने आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ पेज भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और मैं 1 पेज पे रखूँगा और इसके बाद इसमें लैंडस्केप एंड पेट्रियाट आ जाएगा, ये पेट्रियाट ये आ गया लैंडस्केप, ठीक है। प्राइमरी कलर मोड आप CMYK कलर्स रखना चाहें ज़्यादा अच्छा होगा RGB की बजाय, और लेटेस्ट कलर जो कॉम्बिनेशन है वो यही चल रहा है CMYK, ठीक है। रीडिंग रेजोल्यूशन 300 DPI इज नाउ बेटर, ठीक है। मैक्सिमम हाई हम इसमें DPI डॉट यूज़ कर रहे हैं, DPI मीन डॉट पर इंच, ठीक है, इसको याद रखिएगा डॉट पर इंच, DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। प्रीव्यू मोड में ठीक है, और डू नॉट शो, अगर आप इस बॉक्स को दोबारा शो करवाना चाहते हो तो ठीक है, तो इसको यहाँ पे ना क्लिक चेक कीजिएगा, अगर चेक कर देंगे तो ये बॉक्स दोबारा शो नहीं होगा। ओके नाउ क्लियर, मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा और इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए इसको मैंने ओके किया और ये हमारे पास पेज का व्यू आ गया है, ठीक है व्यूवर्स, ये आपके सामने ये पेज का व्यू है। और पेज का साइज हमने ये देखिए यहाँ पे पेज का साइज शो कर रहा है 8.5 इंच, और यहाँ पे उसकी हाइट जो है 11.0 यानी 11 इंच, और ये देखिए इंचिस में शो कर रहा है, ठीक है। इसी पेज के साइज को हम पिक्सल वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंचिस में, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स वगैरह कहीं भी आप किसी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंटरफेस से बता दूं, इसमें टॉप के ऊपर ये टाइटल बार है जिसमें लेफ्ट साइड पे देखिए CorelDRAW X7 64 bit अनटाइल, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का हमने नाम नहीं रखा था इसलिए इसे अनटाइल के नाम से शो कर रहा है। इस तरह देखिए क्रॉस रिस्टोर विंडो का है और उसके बाद मिनिमाइज का है। रिस्टोर करेंगे जो साइज छोटा हो जाएगा ये देखिए, और इसको फिर बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे तो ये टास्क पार्ट पे चले जाएगी, क्रॉस करेंगे तो CorelDRAW बंद हो जाएगा, CorelDRAW प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखें ये इसके आपको स्क्रीन पे ये देखें यहाँ पे आपको टूल बार नजर आ रही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बार्स होती हैं जो हमारे फंक्शन के साथ साथ जो भी हम इसमें टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हाईलाइट होती रहती हैं, आती रहती हैं। जब हम उस पर टूल पे काम करना छोड़ देते हैं तो वो ऑटो हाइड हो जाती हैं, ठीक है। उनका ऑटो शो होना उन टूल्स पे डिपेंड करता है और ऑटो हाइड होना भी टूल्स पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा फाइल एडिट व्यू, इसको हम मेन्यू बार्स कहते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके बाद ये टूल बॉक्स है सारा, इसमें ये देखिए ये टूल बॉक्स आ रहा है, ये हमारे पास रूलर्स आ रहे हैं, और इसके बाद ये अनटाइल डॉक्यूमेंट, ये वेलकम स्क्रीन की, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस, और इसमें ये देखिए ये पेजेस आ रहे हैं, पेज 1 था, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें ये कलर बॉक्स आ रहा है, कलर टूल्स आ रहे हैं, कलर बॉक्स सॉरी, और इसमें कोई भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे कोई कलर्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये स्क्रॉल बार है, ठीक है, ये दोनों इसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर होगी होगी आपको मेरी बात, समझ आ गई होगी। अच्छा व्यूवर्स, इसमें एक बात याद रखिएगा, कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको बताता रहूँगा। अब वैसे तो शॉर्टकट कीज इसकी आप ऑनलाइन से भी मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए हो, और आप मुझसे भी इसकी शॉर्टकट की व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं, और या फिर मुझे मेल करके या मुझे कमेंट्स करके मेरी वीडियोस पे आप मुझसे कह सकते हैं कि हमें शॉर्टकट की सेंड कर दे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।